बॉम्बे इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि किराया बहुत था उस टाइम, तो उतना किराया बहुत लगता था। बाद में दोस्तों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, सबने चंदा दिया, तो फिर हम बम्बई पहुंचे और वहाँ कुछ ही दिनों में हम वापस हो गए क्योंकि वहाँ इतना महंगा था कि हम वहाँ पर रह नहीं पाए। और जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने भी असमर्थता व्यक्त की रखने के लिए, एक शाम बस उनके यहाँ चाय मिली, फिर उन्होंने कहा कि हमारा घर बहुत छोटा है, हम रख नहीं पाएंगे। तो मैं फिर लौट आया और फिर पैसे इकट्ठा किया, एक दो साल बाद फिर वापस गया। तो इस तरह से हम हिंदी भाषियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा बॉम्बे जाके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी सुविधा नहीं थी, फिल्म सिटी नहीं थी, यहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के कोई ऑफिस नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मेरा सपना भी साकार होने जा रहा है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ। 2 साल से मैं और अनिश जी इस विषय पे हम लोग अध्ययन करते थे। मैं किसी ना किसी को बुला के जो मेरी समझ में आता था दिल्ली से मुंबई से लेके आता था, कभी वो लखनऊ बनाना चाहते थे तो कभी उनको महंगा लगा, फिर वापस चले गए, फिर हमने चित्रकूट और बांदा की तरफ जगह देखी, फिर उनको वहाँ नहीं अच्छा लगा, असुविधा हुई। इस बार मुख्यमंत्री जी ने सारी बाधाएं दूर कर दी हैं, जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब भी आप लोग आएंगे मैं स्वागत के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और जो जो मुझे कार्य दिया जाएगा मैं करने के लिए हमेशा तत्परता से मौजूद रहूँगा, खड़ा रहूँगा, श्रम देने को तैयार है, तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरे साथियों का दर्द पता है, मेरे साथी कलाकारों का दर्द पता है जो बम्बई में अभी भी भटक रहे हैं। एक लड़का जो वहाँ कानपुर से हीरो बनने आया था, अभी वो मेरी गाड़ी चलाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोबारा वो एक्टिंग में आएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत क्षमता है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार कभी प्रयागराज में कभी गोरखपुर में हमें मिल जाते हैं, अच्छा गाते हैं, हमें सुनाते हैं, हमें शर्म आती है कि हमें तो लोग जानने लगे ये देखो इतना अच्छा गाता है और इसकी पहचान नहीं है। क्योंकि मैंने उससे कहा बम्बई कभी नहीं आया, तो बोले भैया हमारा वहाँ कोई नहीं है, हम कोई हीरो हीरोइन के बेटे नहीं है, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वहाँ जा सकें। तो हम लोगों ने वहाँ भूखे रह के अपनी जगह बनाई है, वो सपना साकार होने का वक्त आ गया है। और इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बारे में मशहूर है, ये जो संकल्प कर लेते हैं वो साकार करके मानते हैं, और एक शैली तो उनकी पता है, अगर सीधे ना माने कोई अपराधी तो ठोको, तो ठोको बीत वाले हैं। ये कार्य होके रहेगा। और ह्यूमर नोट पे 1.5 घंटे से बहुत गंभीर मीटिंग चल रही है, उनकी जरूरत था। ह्यूमर नोट पे मैं जब हमारे देसाई साहब बता रहे थे ब्राड पिट के बारे में मुख्यमंत्री जी को, वार्नर के स्टूडियो के बारे में बता रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी और मैं हम दो ही नहीं समझ पा रहे और धीरे धीरे लंच टाइम हो गया। तो योगी सर कल लखनऊ मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ, यहाँ भी बहुत ह्यूमर है। लंच टाइम था, खाने के लिए होटल गया मैं, हमने कहा खाने में क्या तैयार है, तो कहने लगा भाई साहब ये तो लंच टाइम है, लंच टाइम में तो खाना मिलेगा नहीं। हमने कहा लंच टाइम में खाना नहीं मिलेगा? नहीं, लंच टाइम में वेटर लोग खाना खा रहे हैं, जब आपको भूख लगती तभी तो उनको लगती है। तो हमने कहा अच्छा, तो अपने मैनेजर को बुलाओ, तो कहने लगा नहीं मैनेजर मैनेजर के पास रहे हैं। हमने कहा लंच तुम्हारे कब मिलेगा? बोले लंच के लिए आप जो है सुबह सुबह 8 बजे आ जाइए, कोई रहेगा नहीं हम खिला दें। तो यहाँ पर इस जोक का ही मतलब है कि आप लोग जाइए या नहीं, आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि उसमें भी वो अपना समय दें। और मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, उनको बहुत बहुत आभार। और हमारे जितने महानुभाव मुंबई दिल्ली सब जगह से आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि खत्म होने से पहले तो संगीत से ही खत्म किया जाए। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद फिर आपका। हाँ मैं सबसे पहले आप सबका, देश के फिल्म जगत से जुड़े हुए जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, या इस फील्ड में
एक लंबा अनुभव आप सबका है, एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पिछले पौने दो घंटे से मैं आप सबकी बात को बहुत धैर्य से सुन रहा था। दोनों चीजें देखने को मुझे मिली, एक तो एक उत्साह, एक उमंग, आप सबके अंदर भी देखने को मिली है और देश के हमारे जो अन्य इस फील्ड के दिग्गज हैं उन सबके अंदर भी देखने को मिला है। ये मेरे लिए बहुत अंतःकरण से प्रफुल्लित करने वाला क्षण है कि शासन की किसी घोषणा को उस फील्ड से जुड़े हुए लोग अंतःकरण से स्वीकार करें। दूसरा एक पीड़ा भी, पीड़ा इस बात की कि वास्तव में हम जिस समाज में, जिस संस्कृति में और जिस देश में निवास करते हैं उसके बारे में अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं और उसको अपने अंतःकरण से स्वीकार करते हुए भी कि वास्तव में हम अपने लिए तो कर पा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हो रही है कुछ कारणों से, कि जो अपेक्षा इस इंडस्ट्री से है वह कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। एक अवसर हमें मिलेगा कि हम लोग फिर से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं कि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ की एक बड़ी आबादी हमारे पास है। 7 राज्य उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, फिर दिल्ली है और एक देश नेपाल भी उत्तर प्रदेश के साथ एक बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश से उसकी जुड़ती है। उत्तराखंड भी तो, हाँ उत्तराखंड भी है, ऐसे में उत्तराखंड भी है, बंगाल भी है, नहीं बिहार के बाद फिर बंगाल आ जाता है, लेकिन ये है। ये 7 राज्यों के साथ साथ एक देश के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। और आप अद्भुत जो बात उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है, गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। देश के अंदर अगर हम पुराणों की धरती के रूप में इसकी वो करें तो वह नैमिष तीर्थ भी श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहला वाचन जिस धरती पर हुआ था वह उत्तर प्रदेश में है, सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। यानी अपनी वैदिक और पौराणिक परंपरा को समेटे हुए, चित्रकूट को आप ले लीजिए, नैमिष आपका और अन्य जितने भी श्रृंगवेरपुर को ले लीजिए, कौन सा ऐसी जगह है जो यहां पर नहीं है। हम वैदिक काल से, रामायण काल से, महाभारत काल का हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में ही है और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहां पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है,
देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं।